हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स आई एम सुनीता फ्रॉम एस डी एस विद्यापीठ वेलकम टू एस डी एस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस सो टुडे इन योर नर्सरी क्लास एंड इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट वी आर लर्निंग अबाउट द अल्फाबेट लेटर एम ओके टुडे वी आर लर्निंग अबाउट अल्फाबेट लेटर एम एंड सम रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम एम एंड इट्स मीनिंग्स आज हम नर्सरी की क्लास में और इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो सीखने वाले हैं वो है अल्फाबेट लेटर एम के बारे में ठीक है बच्चों और एम से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स भी तो चलिए शुरुआत करते हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ साथ इसे रिपीट ज़रूर करिएगा तो बच्चों जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके लेफ्ट साइड में ये कैपिटल लेटर होता है और राइट right साइड में स्मॉल लेटर होता है तो आज कौन सा लेटर है लेटर एम तो ये एम का कैपिटल लेटर है और ये एम का स्मॉल लेटर है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा ओके स्टूडेंट्स हम लोग इसे भी समझते हुए चलेंगे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स को भी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं M M for monkey M for monkey M O N K E Y monkey monkey means बंदर क्या है बच्चों monkey means बंदर ठीक है M M for monkey monkey means क्या है बच्चों monkey means बंदर ये मंकी है ये पापा मंकी है और ये बेबी मंकी है ठीक है यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में मंकी की स्पेलिंग्स राइट की गई हैं और यहाँ पर कैपिटल लेटर में मंकी की स्पेलिंग्स राइट की गई हैं ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट वर्ड है एम एम फॉर मैंगो एम फॉर क्या होता है मैंगो मैंगो मीन्स आम क्या है ये आम एम ए एन जी ओ मैंगो मैंगो मीन्स आम आम तो बच्चों आपने ज़रूर खाया होगा और आम आपने देखा भी होगा जो गर्मियों के मौसम में बहुत ही बाज़ारों में बिकते हैं और लोगों के घरों पर भी इसके पेड़ होते हैं और जो आ, जब ये कच्चे होते हैं हरे हरे होते हैं और जब ये पक जाते हैं तो पीले और लाल रंग के हो जाते हैं यानी थोड़े से नारंगी रंग के और ये खाने में भी मीठे लगते हैं और जब ये खट्टे हो सॉरी जब ये कच्चे होते हैं तो ये खट्टे लगते हैं और घर पर इसके अचार भी बनाए जाते हैं ठीक है बच्चों तो यह क्या है आम मैंगो मैंगो मीन्स आम एम एम फॉर मून मून मीन्स क्या है बच्चों चंद्रमा क्या है चंद्रमा एम डबल ओ एन मून मून मीन्स चंद्रमा ठीक है बच्चों जो आप रात के समय देखते हैं तारों के साथ उसे हम क्या कहते हैं मून मून मीन्स चंद्रमा ठीक है नेक्स्ट है एम एम फॉर माउस माउस मीन्स चूहा क्या है माउस मीन्स चूहा एम ओ यू एस ई माउस माउस मींस चूहा ये क्या है बच्चों? ये है चूहा जो सबके घरों में होते हैं आपने भी देखा होगा इसकी पूछ लंबी होती है इसके दो बड़े बड़े कान होते हैं इसके एक दो सुंदर सुंदर आंखें होती है छोटी छोटी ठीक बच्चो? है बच्चों और यह बहुत तेज़ दौड़ता है तेज़ भागता है ठीक है तो ये क्या है माउस माउस मींस चूहा चलिए हम इन वर्ड्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं एम एम फॉर मंकी मंकी मींस बंदर एम एम फॉर मंकी मंकी मीस बंदर एम एम फॉर मैंगो मैंगो मीस आम एम एम फॉर मून मून मीस चंद्रमा एम एम फॉर माउस माउस मीस चूहा ठीक है बच्चों तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे के तरफ जहाँ पर एक अच्छी सी पोएम जो है आपके लिए बनाई गई है ठीक है बच्चों तो स्टूडेंट्स ये देखिए आज का पोएम जो हम पढ़ेंगे और इसका मीनिंग भी समझेंगे ओके स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग मेरे साथ साथ इसे ज़रूर दोहराइए चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से ईटिंग बनाना

एग्री बच्चों एक बार हम इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं ईटिंग बनाना जंपिंग ऑन ए ट्री ईटिंग बनाना जंपिंग ऑन ए ट्री नोटी इज द मंकी डोंट यू एग्री नॉटी इज द मंकी डोंट यू एग्री तो चलिए अब हम इसका मतलब समझते हैं बच्चों ईटिंग बनाना जम्पिंग ऑन ए ट्री ईटिंग मीन्स क्या होता है खाना बनाना मीन्स होता है केला जम्पिंग मीन्स होता है कूदना और ऑन मीन्स होता है पर ट्री मीन्स होता है पेड़ तो इसका मतलब है कि कूदते हुए पेड़ पर के पेड़ पर कूदते हुए केला खाना क्या है बच्चों ईटिंग बनाना जंपिंग ऑन ए ट्री मतलब होता है पेड़ पर कूदते हुए केला खाना नोटी इज द मंकी डोंट यू एग्री नोटी इज द मंकी डोंट यू एग्री नोटी मीन्स क्या होता है शरारती नोटी मीन्स क्या होता है शरारती मंकी मीन्स क्या होता है बच्चों बंदर क्या है बंदर डोंट यू एग्री क्या आप सहमत नहीं हैं नोटी इज द मंकी डोंट यू एग्री मतलब बंदर शरारती है क्या आप सहमत नहीं हैं क्या है बच्चों बंदर शरारती है क्या आप सहमत नहीं हैं जब बच्चों बंदर जो है पेड़ पर कूदते हुए केला खा रहा है तो वह शरारती है ना इसीलिए इसमें पूछा गया है बंदर शरारती है क्या आप सहमत नहीं हैं ठीक है बच्चों तो हमने इसका मीनिंग जाना अब हम राइम्स की तरह एक अच्छे से इस पोएम को राइम्स की तरह इस पोइम को अब हम सीखेंगे ठीक है बच्चों आप लोग मेरे साथी से दोहराइएगा ईटिंग बनाना जंपिंग ऑन ए ट्री ईटिंग बनाना जम्पिंग ऑन ए ट्री नोटी इज द मंकी डोंट यू एग्री नोटी इज द मंकी डोंट यू एग्री तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज के वीडियो में सब अच्छे से समझ आया होगा अगर आप कहीं ना समझ पाए हो तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिए ठीक है बच्चों और इन वर्ड्स को ज़रूर लर्न करिएगा और इनके मीनिंग्स को भी ओके स्टूडेंट्स थैंक यू